आ गए शेर, हेलो, आपको शेर बनाने आए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब इम्तियाज जलील साहब, उम्मीदवार औरंगाबाद पार्लिमानी हलका, शहनशीन बदशरी फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया, मेरे मजलिसी रुफका, मौजूद हाजरीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो आवाज को नीचे कर दो, इको क्यों आ रहा, बंद कर दो, नॉर्मल कर दो, नॉर्मल कर दो आवाज को, नॉर्मल नॉर्मल कर दो, इको मत करो, नॉर्मल कर दो, बस करो बस। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद के पार्लिमानी हलके से अपने उम्मीदवार जनाब इम्तियाज जलील साहब को नामजद किया है। मैं आप तमाम जिम्मेदारों से अपील करने आया हूं, बुजुर्गों से, कि एक तारीखी मौका हमारे पास है कि हम इस हलके से जनाब इम्तियाज जलील साहब को कामयाब कर सकते हैं, और ये इसलिए मुमकिन है और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ जो अलायंस हुआ है, बहुजन विकास यानी वंचित गाड़ी के नाम पर, इसका एक बहुत मुस्बित पैगाम तमाम मजलूम आवाम तक पहुंच रहा है। और जहां कहीं भी महाराष्ट्र में किसी जलसे से खिताब करने में गया और जो हमको वहां के जिम्मेदारों से जो मुलाकात हो रही है, एक नई उम्मीद और एक नई ताकत तमाम मजलूम आवाम में पैदा हो चुकी है। और यकीनन मैं इस बात का इकरार करता हूं कि बरसों से हमको ये बात कही जा रही थी कि नहीं, आप सिर्फ मुकामी तौर पर एक पंचायत या फिर एक सरपंच या फिर रुकने बल्दिया या अगर बहुत मेहनत करे तो आप एक रुकने असम्बली की सीट पर कामयाब हो सकते हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उन चीजों को मानने वाला नहीं हूं क्योंकि मुझे, मेरे पास एक अजम है, एक हौसला है और एक ख्वाब है, और मैं उन ख्वाबों को अपनी जाती इनफरादियत के लिए पूरा करना नहीं चाहता। मेरे ख्वाब आसमान से सितारे तोड़कर लाने के नहीं है, ना ही मेरा ख्वाब यह है कि मैं चांद पर जाकर वहां कर मिट्टी उठाकर लाऊं। मेरा ख्वाब सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान की मिट्टी पर जो आप और हम बसते आए हैं, ये एक तारीखी शहर औरंगाबाद का और ये खुल्दाबाद की मुबारक सरजमीन, जहां पर औलिया अल्लाह ने तौहीद का पैगाम पहुंचाया, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि यकीनन हम एमपी सीट पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग आपसे ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये क्या नई बात कर रहे हैं, मैंने पिछले 3-4 दिन से किशनगंज बिहार सीमांचल की सरजमीन में वहां पर इंतखाबी मुहिम चलाकर आ रहा हूं। वहां पर किसी एक मौलाना ने बहुत अच्छी बात कही, जो लोग हमसे आकर कहते हैं कि एमपी सीट नहीं जीत सकते, इतना बड़ा ख्वाब मत देखो, उन्होंने एक मिसाल दी, मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो ये मिसाल ये दिए कि जब हत्थी का बच्चा होता है तो हत्थी के बच्चे को उसके गले में एक जंजीर डाल दी जाती है, उसके पैर में जंजीर डाल दी जाती है, और जैसा जैसा वो हाथी का बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो जंजीर निकालकर उसके गले में सिर्फ रस्सी डाली जाती है, और जब हाथी बड़ा हो जाता है तो समझता है कि अभी भी मेरे गले और पैर में जंजीर पड़ी हुई है। ये हाल हमारा हो चुका है, आप इस रस्सी को तोड़ दो। जंजीर थी 1950 और 1960 में, मगर आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। जिस दिन आपको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा,
आप और हमको मिलकर इस रस्सी को तोड़ना है जो हमारे गले और हमारे पैर में डाल दी गई और हमको ये प्रोग्राम कर दिया गया हमारे दिमाग को कि नहीं, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल मत करो और तुमको हमेशा हमने गले में तुम्हारे जंजीर डाल के रखी है। मेरे भाई, बुजदिल है वो लोग जो इस रस्सी को तोड़ने तैयार नहीं है। अगर कोई मर्द मुजाहिद है जिसको अल्लाह की जात पर तवक्कल है, हमको इस रस्सी को तोड़ना है। ये गुलामी की रस्सी है, हमको ख्वाब हमको देखना है और ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। इम्तियाज जलील साहब ने अपनी जाती इनफरादियत के लिए नहीं बल्कि औरंगाबाद की जामे तरक्की के लिए इस इकदाम को मजलिस ने उठाया है, फैसला लिया है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस ख्वाब को हमको पूरा करना है। ये समझ लीजिए कि हर शख्स यहां पर जो मौजूद है वो इम्तियाज जलील है और आपको और आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूं कि हमारे वतन अजीज में जो एक माहौल है, एक फिस्ताई ताकतें हम तमाम को एक ऐसे माहौल यहां पर पैदा कर दिए हैं कि हमको बाज़ वक्त ऐसा लगता है कि घुटन सी महसूस होती है। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है हमको। हमको किसी भी तरीके से खौफ को खरीब आने नहीं देना है और जो ताकतें हमको बरसों से कहती आ रही हैं कि देखो डरा रही हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करे तो ये हो जाएगा। हिंदुस्तान में, हमारे वतन अजीज में मेरे भाई, 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। कितने? 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। 1950 के दहे से लेकर 2014 तक हमको हमेशा ये कहा गया, अगर आप वोट नहीं देंगे तो फसाद होगा। हम वोट दिए, फसाद हुआ। हमसे कहा गया कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। हम वोट दिए, मस्जिद को नुकसान पहुंचा। हमसे कहा गया वोट नहीं देंगे तो तुम्हारे घर बार की हिफाजत नहीं होगी। हमने वोट दिया बोलने वालों को, घर बार बर्बाद हो गए। हमसे कहा गया वोट नहीं देंगे तो फिर तुम्हारे बच्चों को जेल में डाला जाएगा। हमने बोलने वाले को वोट दिया। हमसे कहा गया कि तुम वोट नहीं दोगे तो दहशतगर्दी के कानून में तुम्हारे नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया जाएगा। हमने बोलने वालों को वोट दिया, हमारे बच्चों की नौजवानी, उनकी जवानी बर्बाद हो गई महाराष्ट्र हिंदुस्तान के जिलों में। हमसे आकर कहा गया कि वोट दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, वोट दो, हम तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करेंगे। मेरी बात यकीन करिए कि हिंदुस्तान की जमहूरियत की एक तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास उसका नुमाइंदा है उसकी आवाज सुनी जाती है। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आज आपके पास इम्तियाज जलील साहब हैं, मजलिस ने उम्मीदवार दिया है और प्रकाश अंबेडकर साहब की पूरी भरपूर ताईद हमारे पास है। और मैं औरंगाबाद में, शहर औरंगाबाद में जहां कहीं भी दौरा किया, मैं वहां पर देखा हूं कि एक बड़ी तादाद में जो मजलूम अवाम है, वो गरीब अवाम है, पहले से ज्यादा आज वो मजलिस की कामयाबी के लिए, वंचित बहुजन अगाड़ी के कामयाबी के लिए काम कर रही हैं। इम्तियाज जलील की कामयाबी इंशाअल्लाह ताला सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। अगर कोई मुझसे कहेगा कि नहीं, यहां से इम्तियाज जलील से हटकर किसी और उम्मीदवार की कामयाबी सेकुलरिज्म की होगी, मैं हरगिज इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहां से इम्तियाज जलील की कामयाबी, महाराष्ट्र से प्रकाश अंबेडकर की कामयाबी, सही मानों में हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी होगी। यहां से जो हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम कामयाब होने के बाद इंशाअल्लाह ताला जब दिल्ली को जाएंगे तो हम ना सिर्फ मोदी को बल्कि बीजेपी को भी हुकूमत बनाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत बनेगी, एक नई सुबह होगी। ये जो हमारे सरों पर, ये जो हमारे खिलाफ जो साजिश के बादल मंडला रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो तमाम बादल छटेंगे। अल्लाह के हुक्म से हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का एक नया सूरज निकलेगा, एक नई राह हम आपको दिखाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिस रियासत तेलंगाना से आता हूं, वहां पर 17 पार्लियामेंट की सीटें हैं,
और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि 16 सीट पर मजलिस ने वहां के चीफ मिनिस्टर की तायीद की, वो 16 सीट पर कामयाब होंगे। एक सीट पर आपकी दुआएं और सरजमीन हैदराबाद पर बसने वाले अवाम की वोट और उनकी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बरतरी को बरकरार रखेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये 17 एमपी सीट और पड़ोसी रियासत आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी 25 में से कम 20 से 21 पार्लियामानी निशस्त पर कामयाबी हासिल करेंगे। ये खुद 36 पार्लियामेंट की सीटें हमारे पास होंगी। मैं किशनगंज से आ रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वहां से अख्तरुल ईमान मंजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी होगी। मैं 3 दिन किशनगंज में रहा, वहां पर करीब 11 जलसों से खिताब किया और रोज सुबह 9 बजे से रात में 11 बजे तक हम 200-250 किलोमीटर का फासला तय करते। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि छोटे छोटे गांव हैं, गरीबी है, मुफलिसी है, लाचारी है सीमांचल में, मगर जब जाकर वो गाड़ी के करीब आकर पूछते कि पतंग छाप गुड्डी, हम कहते हाँ, बोले अब जाओ तुमको वोट डालने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला किशनगंज से हमको कामयाबी मिलेगी और अगर आप तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का साथ रहा तो यकीनन औरंगाबाद से इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील की कामयाबी यकीनी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बेखौफ होकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये जो लोग हमको डरा रहे हैं, याद रखिए अल्लाह ने हमको इस दुनिया में बनाकर पैदा किया है और हम सिवाय अल्लाह से किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये लोग जो आज आकर कह रहे हैं कि बीजेपी, मोदी, शिवसेना, मेरे भाई क्या अभी भी हम डरेंगे इन लोगों से? क्या आप डरना चाहते हैं इन लोगों से? क्यों हम डरेंगे भाई? हिंदुस्तान में अभी भी संविधान है, आईन है, और लोग ये डराएंगे, कब तक डराएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 70 साल हो गए वतन अजीज को आजाद होकर। ये वतन हमारा है मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों। खुल्दाबाद की तारीखी इमारतें, अगर अल्लाह उन तारीखी इमारतों को जबान देगा तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि याद करो तुम्हारे माजी को, जब किसी वक्त में तुमने यहां पर जहाबानी और हुकूमत की थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों के, हमारे असलाफ की निशानियां हैं और उन असलाफ की निशानियां हमसे पुकार कर कह रही हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमको मुत्तहदा तौर पर 23 अप्रैल के दिन सुबह के अवलीन सातों में आप अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर मजलिस के 3-4 नुमाइंदे कामयाब होकर जाएंगे तो यकीनन ये सिर्फ हम मुसलमानों की नहीं बल्कि औरंगाबाद के हर उस शहरी की बात करेंगे जो आज महरूम है। आज औरंगाबाद का पार्लियामानी हलका तरक्याती काम से महरूम है। औरंगाबाद के पार्लियामानी हलके में आपको एक हरकियाती रुकने पार्लियामान की जरूरत है जो सिर्फ फसादात की बात ना करे बल्कि तरक्की की बात करे, जो आपके हलके की सही नुमाइंदगी करे, और ताकि यहां पर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। माजी में शिवसेना के एमपी थे, सरासर नाकाम, बरसों इनको मौका मिला, कुछ काम नहीं करा सके। जहां कहीं भी जाओ आप, हर जगह विकास का नाम लेते हैं, कहीं विकास नजर नहीं आता। चौकीदार चौकीदार पुकारते हैं, नहीं मालूम कौन सा चौकीदार है ये कि जिसकी आंखों के सामने बम ब्लास्ट होता है। एक अजीब और गरीब चौकीदार है जिसने सेहतमंद लोगों के लिए ऑपरेशन कर दिया। आज अखबार हिंदू में रिपोर्ट आई कि नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान में 50 लाख लोगों ने अपने रोजगार से महरूम हो गए। 50 लाख हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे भाई, जो रोजगार से उनको महरूम हो चुके हैं। इसलिए हम तमाम को कोशिश करना है कि दिल्ली में दोबारा नरेंद्र मोदी या बीजेपी की हुकूमत ना बने। यहां से इम्तियाज जलील को आप कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में हम मित्रों को कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा आपसे वादा रहा है और मैं हिंदुस्तान में जहां कहीं भी जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये टीवी चैनल को मत देखिए आप, ये टीवी चैनल का तो हाल बुरा है। ये तो ऐसे है कि बादशाह वक्त के सामने सरकार 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 जिस तरह बोलते थे इसी तरह कह रहे हैं। बल्कि अगर मैं गलत ना कहूं
तो इस औरंगाबाद की मलिक अंबर की एक तारीख है। मलिक अंबर को आप जानते हैं ना, पास में ही है ना, उन्हों सो रहे ना बैठे, तो उन्हों पुकार के तुम्हार को बोल रहे कि मैं मलिक अंबर हूं, जिस तरह मैंने दिल्ली के उस वक्त के बादशाह को ललकारा था, जिस तरह मलिक अंबर ने उस वक्त कौन था दिल्ली की तख्त पर जहांगीर था, तो मलिक अंबर जो है दिल्ली से मुकाबला किया, आज मौजूदा जमाने में इम्तियाज जलील आपका मलिक अंबर है। इस मलिक अंबर को आप कामयाब करो ताकि दिल्ली के वो जो मित्रों जो अपने आप को बादशाह सुल्तान समझ रहा, उसको यहाँ के मलिक अंबर को कामयाब करो ताकि हम वहां पर इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में एक ऐसी सरकार बने जो हिंदुस्तान के हर गरीब के लिए काम करे। मेरे भाई, इस 5 साल के दौर में दलितों पर, अकलियतों पर, गरीबों पर जो जुल्म ढाए गए, इसका कोई जिक्र नहीं करता। ये टीवी चैनल रोज आपको दिखाएंगे कि मोदी जीत गया, मोदी जीत गया। अगर टीवी चैनल पे आप भरोसा करेंगे तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, इलेक्शन ही खत्म हो गया, मगर ऐसा नहीं है। ये टीवी चैनल वाले जब 23 मई को रिजल्ट आएगा, इनको खुद अंदाजा होगा, शर्मिंदगी होगी कि कितना झूठ ये लोग बोल रहे थे। एक टीवी चैनल का इंटरव्यू मैं देखा, किसी एक टीवी चैनल में वजीर आजम मोदी बैठे हुए हैं और एक मोहतरमा बैठी हुई है, सवाल उनसे ये कर रही हैं कि मोदी जी, आपके पास इतनी ताकत कहां से आती है, आप क्या टॉनिक पीते? नहीं मालूम कौन सा टॉनिक पीते, हम रोज 2 चमचे हमारे को बचपन है, अम्मा शहद चटाते थे, चटाओ चाटो, हम तो वही शहद चाटते आज भी, इन्हू कौन सा टॉनिक पी रहे नहीं मालूम। अन्या, ये सवाल है पूछने का कि कौन सा टॉनिक पीते आप, मुझे पूछने दीजिए। कोई पूछता है कि आप रोजा रहते, तो वजीर आजम बोल रहे हाँ मैं खाली पानी पीता हूँ और कुछ नहीं खाते, नहीं खाली पपीता खाता हूँ मैं। क्या बात है, ये सवाल करें? और हम टीवी चैनल पे जाते तो हमारी दाढ़ी से लेके, टोपी से लेके, भाषण से लेके, अकबर से लेके, पूरा हर चीज पूछते। ऐसा दिखता कि कोई टीवी चैनल पर मैं गया तो ऐसा दिखता कि आप किसी आप यानी किसी के पास आप जाके अपना इसम नवेसी पेश करते ना, इसम नवेसी मालूम आप लोगों को? इसम नवेसी जब शादी करते ना तो इसम नवेसी बनाते, बाप कौन है, बेटा क्या करता, कितना कमाता, क्या पीता, भाया क्या करते, अम्मा कहां तक पढ़े हुए है, उन्होंने क्या, अरे हमारी इसम नवेसी निकाल लेते। मगर वजीर आजम आए तो ऐसा ऐसा करते कि जिनके दूल्हे भाई बैठे हुए हैं, टीवी पे पूछते ही नहीं कुछ इनको। अरे आप इनको फिक्र मत करिए, टीवी चैनल पे मत जाइए, क्योंकि अब दिखाएंगे कल से औरंगाबाद में शिवसेना का बहुत ऐसा हो रहा है, फुला हो रहा है, कुछ भी नहीं है, टाइटाई हो रहा है पूरा, बहुत परेशान है खैरे, बहुत परेशान है उन्हें, बहुत परेशान है। उसको सबसे बड़ी परेशानी मंजलिस से हो गई, उन्हें उल्टा समझा था, सोल ने उल्टा समझा था। हम बोले ठीक है प्यारे, खेल हमको भी आता, सियासत हम बरसों से खेल रहे, औरंगाबाद की तारीख गवाह है, हमारी तारीख बताती है कि सियासत हमारे घर से निकली। के बड़े भाई, आप कांग्रेस से बात करिए, अगर वो आपको इज्जत के मुताबिक आपको सीट देते आप ले लीजिए, मेरे को एक सीट भी नहीं चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी किसको भेजा है उनसे बात करने के लिए, क्या नाम है नगर का इम्तियाज, वो वीके पाटिल, वीके पाटिल को भेजा है, उसका बेटा बीजेपी मित्रों के पास चला गया। अब वीके पाटिल खुद अब बीजेपी का काम कर रहे खामोशी से, आप बताइए इनके पास क्या पॉलिसी है। अब कांग्रेस आके डराएगी हमको, वही 50 साल पुरानी कैसेट, वही बासी बात कि देखो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फुला हो जाएगा। अरे याद रखो, जब डाकू आता ना डाका डालने, तो गरीब के घर पे नहीं डालता, दौलतमंद के महल पे डाका मारता उन्हें। तो अब डाका तुम्हारे घर पे पड़ रहा तो तुम हमको इस्तेमाल कर रहे, कब तक ये लोग हमारे वोटों पर, मजलूमों के, गरीबों के, वंचित के वोटों पर अपना महल तामीर करेंगे? मेरे भाई, हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं है,
अब हमको डालकर अपने आप को कामयाब करना है। एक बेहतरीन उम्मीदवार आपके सामने है, आप आगे बढ़िए और पूरी शिद्दत के साथ आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की लोकसभा जो औरंगाबाद की जामे तरक्की के लिए आप देखेंगे कि मजलिस के उम्मीदवार वहां पर आवाज उठाएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी दुआ होगी कि अल्लाह सुभाना व तआला इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत बनाए जिसमें बीजेपी और नरेंद्र मोदी ना शामिल हो। मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की कुदरत ऐसे लोगों को मौका नहीं देगी जिनको इख्तदार मिलता है, वो कुदरत की तरफ से फैसले होते हैं, मगर इख्तदार सलीमुद्दीन अंसारी हो या फिर वो अहमदाबाद के वो मजलूम दलित जिनको पीठ पर कोड़े बरसाए गए थे, यकीनन इंशाअल्लाह ताला खुदरत इन जुल्म करने वालों का साथ नहीं देगी। और जिस दिन नतीजा आ रहा है वो 23 मई के दिन है और 23 मई को 17 रमजान थी मेरे भाई। 17 रमजान को क्या हुआ था, क्या हुआ था, यही परेशानी है। देखो हम लोग सब भूल जा रहे, खाली इंस्टाग्राम मालूम, फेसबुक मालूम, व्हाट्सएप मालूम। पढ़ो मेरे भाई, उलमाओं की सोबत में बैठो, सीखो समझो। 17 रमजान को मारे के हक को बातिल हुआ था। क्या हुआ था उस दिन, मारे के हक को बातिल हुआ था और उस दिन इंसानियत को पैगाम दिया गया था कि जो लोग भूखे हैं, फाखा कशी का शिकार हैं, जिनके जिस्मों पर कपड़े नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास दौलत नहीं है, इख्तदार रखने वालों से मुकाबला करने के लिए और निहत्ते हैं, अल्लाह ने इंसानी तारीख को एक पैगाम दिया कि जो लोग गरीब हैं, मुफलिस हैं, दौलतमंद नहीं है, मगर जो इंसाफ के लिए लड़ेंगे, जो मेरी जात पर तवक्कल करके लड़ेंगे, अल्लाह उनको गालिब करेगा, अल्लाह उनको कामयाब करेगा। और वही होगा इंशाअल्लाह ताला 23 मई के दिन। जितने हमारे वतन अजीज में वक्त के अबू जहल हैं, इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तौर पर उन तमाम वक्त के अबू जहलों का खात्मा होगा और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में एक नए इनकलाब, एक नए दौर का आगाज होगा। मेरी औरंगाबाद की हलके की आवाम से अपील है कि अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर इस्तेमाल करिए। जब आप पोलिंग बूथ को जाएंगे अपने साथ वो शनाख्ती कार्ड लेकर जाइए, वो शनाख्ती कार्ड जिसका आपको जिक्र, अगर आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या बैंक की पासबुक है, जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वो 12 डॉक्यूमेंट्स उसको लेके जाइए। सुबह सुबह जाइए, T20 मैच खेलिए, दवा के 12 बजे से पहले पूरा बूथ साफ, माने वोट डालिए, अच्छी पोलिंग कराइए, एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। हरगिज हरगिज ये मत समझिए कि मेरे एक वोट से क्या होने वाला है, हो सकता है कि आपका एक वोट की वजह से ही इम्तियाज जलील की कामयाबी हो। यही चंद अहम गुजार